इंग्लिश मीडियम से हैं, पोटैटो फीवर है उनके लिए, चोखा बन रहा है। हाँ मेरा ही चोखा बन रहा है शादी के वास्ते। सही सच बात मुझसे निकल जाते है, भूख लग रहा है। नहीं मिलेगा आज खाना। त्योहार है तो कुछ तो मतलब घमासान झमाझम कुछ तो होना चाहिए। वेलकम बैक टू माई चैनल ट्रू सोलमेट। आई होप यू ऑल आर गुड एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो चलो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं एंड आई होप आपको ये ब्लॉग देखने में अच्छा लगेगा। तो क्या है कि अभी मैं सुबह का सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है एंड इधर मैं अपना पूजा भी कंप्लीट कर चुकी हूँ, आप लोग पीछे देख ही सकते हैं। आज है देव उठनी एकादशी, तो आप सभी को देव उठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो क्या है कि हम लोग नहीं करते हैं ऐसे, बंगाली लोग में ये मैं नियम नहीं देखी हूँ, बाकी जो अदर हैं वो करते हैं, वो गन्ना लगा के फिर तुलसी माता का अच्छे से पूजा करते हैं। तो बस आज कुछ नहीं, हमारा तो मैं कभी नहीं देखी हूँ कि मतलब हम लोग के घर पर होते हुए। तो मेरे हस्बैंड के घर में ये नियम है कि नहीं पता मुझे। घर ये गन्ना लेके आए थे आज, तो मैं उसका भोग लगा चुकी हूँ एंड पूजा करने के बाद बारी आती है किचन की। तो किचन में अभी मैं आज कुछ भी नहीं बनाई हूँ एंड आज मेरा थोड़ा लेट हो चुका है पूजा करते ये सब करते। तो ऐसे भी अभी मैं क्या बनाऊँगी, कोई अभी मैं सोच रही हूँ ना कि अपने लिए ब्रेकफास्ट नहीं बना के डायरेक्ट मैं ब्रंच ही बनाऊँगी और बहुत जल्दी बनाना पड़ेगा मुझे। एंड क्या है कि मैं सोच रही हूँ कि आज भिंडी बना लूँ, भिंडी ही है, तो देखते हैं कि भिंडी को आज मैं कैसे बनाती हूँ। मुझे ना भिंडी उतना पसंद नहीं आता है, उसका भुजिया भी जो बनाते हैं ना तो पसंद नहीं आता, बस ऐसा लगता है ना कि कोई मुझे खाना बना के खिला दे। अपने हाथ का खा खा के मैं बोर हो चुकी हूँ, अपने हाथ का बनाया हुआ तो एक जैसे ही लगता है हमेशा से, लेकिन दूसरे के हाथ का बनाया हुआ उसका कुछ अलग ही टेस्ट होता है, बस वही अलग ही कुछ खाने का मन करता है मुझे। तो क्या है वो तो हो नहीं सकता, तो मम्मी के हाथ का खाना बहुत मिस करती हूँ। तो आजकल क्या है वो भी नहीं हो सकता क्योंकि मम्मी के पास तो है नहीं जो मम्मी बना के खिलाएगी, तो वही अपना ही खुद ही खाना बनाओ खुद ही खाओ तो अच्छा है। तो आप लोग देख ही सकते हैं ये कितना बड़ा हो चुका है, थोड़े दिन बाद ये ऊपर तक चढ़ने लगेगा। इसको जब मैं लगाई थी तो ये बस यहीं तक ही पहुंच रहा था एंड अभी ये इतना लंबा हो चुका है, तो इसको भी कुछ अच्छे से ही सपोर्ट देना पड़ेगा। खिड़की का सपोर्ट तो है इसमें, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा मोटा हो जा रहा है इसके लिए, वो इसका ये बहुत ही पतला है तो उसके लिए रस्सी ठीक रहेगा, तो उसको करना पड़ेगा बांधना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए मैं इधर भिंडी को कट कर चुकी हूँ एंड ये भिंडी ना बहुत छोटे छोटे साइज में था एंड मुझे ऐसे ही वाला पसंद है, जो ज़्यादा बड़ा होता है ना वो अच्छा नहीं लगता है। एंड इस साइड में ये सब थोड़ा रफली चॉप कर ली हूँ, इसको एंड इसको कर चुकी हूँ, अभी ये बचे हुए हैं। एंड आज मैं भिंडी को बनाने वाली हूँ मूँगफली से, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ। एंड इस साइड ये गन्ना लेके आए हैं, तो ये अभी यहीं पे ही रखी हूँ। भगवान को मैं भोग लगा चुकी हूँ तो इसको भी मैं किचन में ही रख दी हूँ, वरना मैं भूल जाती हूँ खाने के लिए, ये मेरा एक कमजोरी है। तो क्या है कि देख सकते हैं कि ये कितना मोटा है। तो चलिए अभी मैं ये सबको कट कर लेती हूँ एंड मुझे गन्ना खाने का भी बहुत मन कर रहा है क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं मैं नहीं खाई हूँ। तो क्या है कि अभी मैं इसको कट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं भिंडी कैसे बनाती हूँ आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत साल हो गए हैं मैं गन्ना नहीं खाई हूँ, क्या है इसका जूस तो पीना होता है लेकिन गन्ना खाना नहीं होता है, तो आज लेके आ गए हैं तो खा ली हूँ। ये बहुत मोटा भी है, पता नहीं खा पाऊंगी या नहीं। तो इसको मैं अच्छे से धो चुकी हूँ
एंड उसके बाद ही अभी मैं इसको खाने वाली हूँ। अभी जब मैं गन्ना खा रही हूँ ना खुद छील कर, तो मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है, क्योंकि जब मैं छोटी थी ना तो वो मुझे खुद ऐसे ही छील कर छोटा छोटा पीस करके देती थी, तब मैं खाती थी, क्योंकि मुझे गन्ना छीलना नहीं आता था। अब भी अच्छे से नहीं आता है, फिर भी क्या है ना कि बचपन में जब मैं छीलती भी थी ना तो गन्ना छीलते छीलते उसका रस निकल जाता था, या इतना बड़ा गन्ना मुँह में उस टाइम कहाँ से अटेगा, उतने छोटे थे। और अभी देखिए मैं खुद छील के खा रही हूँ और मम्मी को बहुत मिस कर रही हूँ। ज़्यादा मीठा नहीं है, ठीक ठाक ही है, एंड मैं ज़्यादा बिल्कुल नहीं खाऊंगी। क्या है ना कि बहुत दिन बाद खा रही हूँ, तो अगर मैं ज़्यादा खा ली इसको तो मेरा मुँह छिल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं इसमें डाल दी हूँ थोड़ा सा ऑयल, एंड अब मैं इसमें डाल दूंगी भिंडी। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इधर भिंडी को मैं थोड़ा सा फ्राई कर चुकी हूँ, ज़्यादा नहीं कुक की हूँ, हल्का ही इसको फ्राई की हूँ, हल्का ये सुनहरा हुआ है, एंड अभी मैं इसको उतार लूँगी। तो अभी मैं इन सबको जार में रख लूँगी और अच्छे से इसको अभी मैं ग्राइंड कर लूँगी। और इसके साथ में मैं अभी ये मूंगफली भी डाल दूँगी, एंड मेरे पास जीरा पाउडर नहीं है तो यहाँ पर मैं एक चम्मच जीरा डाल दूँगी। मैं इसमें मसाले डाल चुकी हूँ, इसको सिर्फ जीरा और तेज पत्ते से ही छौंक लगाई हूँ। और मैं ये सब शूट की थी लेकिन पता नहीं मुझसे हुआ ही नहीं, मैं ऑन करना ही भूल गई। तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी, नमक, ये मैं डाल रही हूँ इसमें, धनिया पाउडर। तो इधर आप लोग देख ही लीजिए कि मैं इसको अच्छे से फ्राई कर चुकी हूँ, अच्छे से भून चुकी हूँ। क्या है ना, आज मैं मसाला थोड़ा दरदरा रखी हूँ, फाइन पेस्ट नहीं बनाई हूँ, क्योंकि कभी कभी अच्छा लगता है कि जब मसाला मुंह पे आए। और देख ही सकते हैं आप लोग ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, एंड अभी मैं इसमें डाल दूँगी ये भिंडी। एंड भिंडी को हम थोड़ा सा इसमें मिक्स कर लेंगे, देन इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। तो अभी क्या है ना कि आज मैं सोच रही हूँ कि एक आलपोना डिज़ाइन बनाऊंगी, तो वो मैं अलग से ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो उसके लिए यहाँ पर मैं ले चुकी हूँ ये, इसको ये अलग ही ये मिट्टी आता है, इसको हम लोग खोड़ी माटी बोलते हैं। तो ये मैं यहाँ पे नहीं मिलता है, ये मैं कोलकाता से मंगवाई हूँ, तो इसी से मैं बनाती हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी, कल मैं नहीं बनाई थी, थर्सडे को बनाते हैं, लेकिन मैं नहीं बनाई थी, तो आज एकादशी है तो आज मैं बना लूँगी। एंड आज एक मैं रंगोली डिज़ाइन भी बनाने वाली हूँ, तो वो मैं फुल वीडियो इसमें शेयर नहीं करूंगी, वो मैं अलग से ही अपलोड करने वाले हैं एंड उसके शॉर्ट्स जाने वाले हैं। अभी क्या है ना कि ये भिंडी की सब्जी बनके रेडी है, सो अभी पहले मैं अपना लंच कर लूंगी एंड उसके बाद ही मैं ये रंगोली एंड आलपोना में हाथ दूंगी अपना, क्योंकि अगर एक बार इसमें भिड़ जाए ना तो फिर बीच में अगर कुछ काम हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि उठना फिर से उस काम को करो। तो अभी मैं जितने काम भी होंगे जैसे बर्तन धोना वगैरह ये सब मैं धो लूंगी, एंड उसके बाद ही मैं रंगोली और ये आलपोना बनाऊंगी। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, मैं अलग से इसका वीडियो अपलोड करने वाली हूँ एंड कुछ कुछ क्लिप्स मैं इसमें भी ऐड कर दूंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना लंच कर लेती हूँ, देन उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। अभी मेरा आलपोना देना हो चुका है एंड आप लोग नीचे ये देख सकते हैं, ये कुछ अभी समझ में नहीं आएगा क्यों, क्योंकि अभी ये सूखा नहीं है एंड वाइट के ऊपर
मैं वाइट से ही बनाई हूँ ना, तो इसलिए और समझ में नहीं आएगा और मैं पागल जैसे हो रखी हूँ। एंड अभी मैं सोच रही हूँ ना कि ये भगवान का या जहाँ पे मैं मंदिर रखी हूँ वहाँ पर मैं एक छोटा सा बना लेती हूँ। एंड मैं तुलसी भगवान का जहाँ स्थापना की हूँ वहाँ पर भी मैं एक बनाने वाली हूँ, लेकिन मैं आलपोना ही बनाऊँगी। एंड रंगोली मैं बाहर बनाने वाली हूँ, तो अभी 5 से भी ज़्यादा हो चुके हैं, पता नहीं मैं कब करूँगी, वही सोच रही हूँ कि हो पाएगा या नहीं। तो अभी क्या है ना कि शाम हो चुका है एंड मैं पूजा वगैरह ये सब कुछ कर चुकी हूँ एंड लगभग अभी रात होने वाला है। एंड आप लोग देख लीजिए इधर, ये अभी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है एंड अभी ये सूख चुका है ना, तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है। तो क्या है ना कि मैं उधर भी जो रंगोली बनाई हूँ एंड इस साइड भी जो मैं अल्पना बनाई हूँ वो भी सूख चुका है। एंड आज इतना पटाखा फोड़ रहे हैं सब, इतना पटाखा फोड़ रहे हैं जैसे दिवाली मना। ब्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं कर ही नहीं पा रही हूँ इतने देर से, अभी तो थोड़ा कम हुआ है आवाज़, वरना इतने देर से मैं फ़ोन पे भी बात नहीं कर पा रही थी ना कुछ कर पा रही थी। तो क्या है, चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ये सब दिखा देती हूँ, रंगोली आलपोना, एंड देन उसके बाद आप लोग ये कैसा हो रहा है। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। साथ में मैं इधर बनाई हूँ ये रंगोली, तो मैं देखिए ये गंदा सा बना दी हूँ मैं, जो कलर बचा था उसको मैं सब एक ही जगह डाल के ऐसे ऐसे थोड़ा मोड़ा ये सब मैं बना ली हूँ। आप लोग देख ही लिए कि मैं कैसे बनाई हूँ एंड आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये कैसे लगा, और इसका फुल वीडियो अलग से मैं अपलोड करूँगी, मैं पहले भी बता चुकी एंड फिर से बता रही हूँ, तो आप लोग इसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और इसके शॉर्ट्स भी जाने वाले हैं। तो चलिए अभी मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए। एंड मेरे हस्बैंड जी इधर क्या कर रहे हैं, ये इसको आलू बुखारा बोलते हैं ना, ये आलू बुखारा ये लेके आए हैं। मेरी माँ इसको मीठी आलू बोलती थी, मीठा आलू बोलते हैं, सब्जी बनते अच्छा खाओ। कोई पोटैटो फीवर बोलता है, इंग्लिश मीडियम से हैं, पोटैटो फीवर है उनके लिए। एंड अभी ये इसका चोखा बनेगा, ये अपने काम के साइड से वो अपने मैस से ही लेके आए हैं, वहां पर था, वहां पे आज पूजा वगैरह ये सब कुछ हुआ है। ये भी अपना इधर मीडिया ये है, ये भी अपना टीका उगा लगा के अच्छे से पूजा पाठ करके आए थे। अभी चोखा बन रहा है, हाँ मेरा ही चोखा बन रहा है शादी के वास्ते, सच बात मुंह से निकल जाती है। बाप रे, चोखा बन रहा है, कौन चोखा बन रहा है, तुम तो बोली इसका चोखा बन रहा है। अब मेरा चोखा नहीं बन रहा है, इसका मैं बोला कि किसका चोखा बन रहा है, तो आलू बुखारा का बोली, ऐसा बोलो ना आलू का चोखा बन जाए। इसको ट्राई कीजिएगा, कोई रेसिपी नहीं कोई कुछ नहीं, लाओ पानी में डालो उबालो, ना चीनी ना गुड़, ऐसी खाइए एकदम स्वीट। ये अच्छा लगता है बहुत, इसका चोखा भी बनाते हैं हम लोग। तो आप चोखा बना रहे हैं कि क्या बन रहा है, ऐसे ही ये लो। तो मैं अब तक कुछ और ही बोल रही थी, खाने के बाद मीठा काम कर रहे हो, तो मैं अब तक ऐसे ही बोल रही थी, चोखा नहीं बन रहा है वो, बस ऐसे ही है, ऐसे ही ठीक लगता है। और मैं सब्जी बनाई है ना भिंडी का के साथ, आज पराठा है एंड साथ में हस्बैंड जी लेके आए हैं पनीर का सब्जी, तो वो भी है, तो आज एकदम जम जमावट होने वाला है खाना। और अभी मैं अपना काम कर लेती हूँ, देन उसके बाद आप लोग बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। और हम लोग का आज स्पेशल मेन्यू है, आप लोगों को मैं पहले ही बताई एंड वो मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगी। एंड देख लीजिए ये आदमी को गौर से, अच्छे से देख लीजिए, इनसे एक भी काम नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, अगर इनसे थोड़ा सा भी कुछ बोल देना नहीं, कोई काम अगर करवाना होता है तो घूस देना पड़ता है उसके लिए, या कुछ बोलना पड़ता है कि हाँ मैं ये चीज करूंगी ये चीज दूंगी, तब वो करते हैं। चिल्लाना डांटना भी पड़ता है, हाँ तो नहीं डांटूंगी। अभी क्या की आज मैं एक थाली रेसिपी ये शूट कर रही थी, मैं इनको बोली कि आप थोड़ा सा मोबाइल को पकड़ लीजिए, मुझे क्या होगा कि थोड़ा आसानी हो जाएगा उसको करने में,
ये पिछले बार भी वैसे ही किए थे एंड इस बार भी क्या किए, मोबाइल तो कितना मस्त पकड़ के रखे हैं, वो ऑन करना ही भूल गए। मैं पूरा थाली वाली अच्छे से सजा के वो करके फिर उसके बाद मुझे पिछला वाला याद आया कि अरे मैं पिछला वाला ऐसे ही की थी, बना तो लिए थे, उसके बाद मैं दोबारा चेक नहीं की कि हाँ बना है या नहीं। एंड अभी मैं इनको बोली कि चेक कीजिए तो कि वो बना है या नहीं, तो ये बोल रहे हैं बाप रे यकीन नहीं हो रहा है। तो मैं बोली हाँ नहीं करूँगी। एंड मैं सच्ची में मैं गैलरी खोल के देखी, वो वीडियो है ही नहीं। कितना मस्त मुस्कुरा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है इनको। मैं मेहनत से बनाती हूँ, ये हेल्प नहीं करते हैं, ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं। एंड उसके बाद मैं फिर से बनाई हूँ अभी। एंड अभी हम खाना खाने के लिए बैठे हैं और ये भूख लग रहा है, नहीं मिलेगा आज खाना, बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है? चलें मतलब मैं बोली थी ना पहले पिछले ब्लॉग में भी एक बार मैं बोल चुकी हूँ कि त्योहार है तो कुछ तो मतलब घमासान झमाझम कुछ तो होना चाहिए, तो बस ये वही खोजते रहते हैं। सब अंबिकापुर की याद में, आई मिस अंबिकापुर। ये है चावल, इधर है ये पराठा और ये है सलाद। आज सलाद में हम प्याज रखे हैं और ये है पनीर मसाला एंड ये है भिंडी मसाला। तो इसका रेसिपी आप लोग तो देख ही चुके एंड ये हस्बैंड लेके आए हैं मेस से अपना। तो बस अभी हम अपने डिनर को एंजॉय करते हैं और उसके बाद अभी हम कर चुके हैं डिनर और आज हम डिनर को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किए एंड ये अपने मेस में भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किए हैं। तो अगर मुझे वो क्लिप मिला इनके मेस का तो अगर ये भेजे महाशय तो मैं डाल दूंगी उसको भी लास्ट में। एंड आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर किसी भी रीज़न पे अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। टिल देन बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। बाय। टाइम हम टाइम पर आका छुटा रहा है।